ठाकुर की शैतानी हवेली। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और आरव उसमें से नीचे उतरा। घड़ी देखी, उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बैनोट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाही पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। मिताली, अरे उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद से बड़बड़ाते हुए उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेच कर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए के रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़िए आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे पर उन्हें कोई लिफ्ट मिली नहीं और ना ही कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक रही थी, तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली के चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली गेट पर कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे पर डोर बेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा लेकिन अंदर से कोई घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी कि उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें दोनों को यह बात अजीब लगी क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी की भी नहीं थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं। झूले पर बैठा उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी है मिताली है। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था, सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थीं। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए। आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी, वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है,
दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर से कान लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पे से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे, कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत के अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान सा सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम में को आते वक्त दोनों ने खाली बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर की तस्वीर धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके नीचे रखा हुआ झूला हवा के बिना ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की गिग्गी बैठ गई और आरव बस बेस देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरे की सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।